हेलो स्टूडेंट, आवर टुडेज टॉपिक इज सुपर कंडक्टिविटी एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो सुपर कंडक्टिविटी को अपन हिंदी में बोलते हैं अति चालकता। देखो, ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है तो अपन थ्योरी में इसको पढ़ेंगे। अति चालकता वर्ड से पता चल रहा है कि अति चालक क्या होते हैं या सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, कि ऐसे कंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाए। आज तक तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो अब कैसे करें? तो क्या हुआ, अपन ने एक चीज़ पढ़ी है कि रो का फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने। क्या पढ़ा है? देखो बेटा, रो पढ़ा है अपन ने ये कि रो बराबर क्या, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये वैल्यू कांस्टेंट होती है तो रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। अगर टाउ बढ़ेगा या टाउ घटेगा तो रो बढ़ेगा, और अगर मैं टाउ को बढ़ा दूं तो रो घट जाएगा। रो घट जाएगा मतलब कि अब टाउ कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर टी कम करेंगे तो टाउ रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा। क्योंकि जब टाउ समय कम है, जब टाइम कम कर दिया, तो ये दो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से टकराए और यहाँ पर अब क्यों, तो एक तो ये टाइम लग रहा है। अब एक अगर मान लो यहाँ पर आ जाए तो ये वाला जो टाइम है ये टाइम ज़्यादा है, और ये वाला जो टाइम है ये टाइम कम है। भाई ये डिस्टेंस ज़्यादा तो इसको कवर करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और ये डिस्टेंस कम तो इसको कवर करने में टाइम भी कम लगेगा। तो अगर मैं टेम्परेचर घटा देता हूँ तो इसका रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा तो रो घट जाएगी। तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो अगर घट कर जीरो पहुँच जाए, अगर रेजिस्टिविटी घट कर जीरो पहुँच जाए, प्रतिरोधकता घट कर जीरो पहुँच जाए, तो अपने को पता है रेजिस्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, कि जो प्रतिरोधकता है वो चालकता के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। तो जो चालकता होगी वो कहाँ पहुँच जाएगी, अनंत, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगी चालकता, या मैं बोल सकता हूँ कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब इस कंडीशन पे हो जाएगा तब ये जो मटेरियल है ये कहलाएगा सुपर कंडक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं अति चालक, ठीक है बेटा। तो ये अति चालक हो गया, और ऐसे पदार्थ मतलब जिनमें अति चालक का गुण पाया जाता है, दैट मटेरियल विच शोज द सुपर कंडक्टिविटी, दैट नॉन एज द सुपर कंडक्टर, और द फिनोमिना ऑफ द सुपर कंडक्टर इज नॉन एज सुपर कंडक्टिविटी, इज नॉन एज सुपर कंडक्टिविटी। देखो ये तो क्या हो गया, ये गुण हो गया, इसकी प्रॉपर्टी हो गई, इसे बोलते अति चालकता। और अभी तक एक ही आया है, जैसे पारे को एक साइंटिस्ट था ओनेस, साइंटिस्ट का नाम है ओनेस, ध्यान रखना, उसने क्या करा, पारे को 4.2 केल्विन तक ठंडा किया। भाई टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो ठंडा ही कर रहे हैं, 4.2 केल्विन तक ठंडा किया तो वो पारा 99% कंडक्टर की तरह बिहेव करा, मतलब उसमें रेजिस्टिविटी बहुत कम थी। तो इसलिए बोल सकते हैं कि पारा 4.2 केल्विन पर एज ए सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता। और अभी ऐसे मटेरियल भी खोज हो चुकी है जो 90 केल्विन या 80 केल्विन तक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, जो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हो गया सुपर कंडक्टर। अब देखो आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब श्रेणी व प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का श्रेणी व समांतर क्रम संयोजन। ओके बेटा, ये हिंदी में हो गया टॉपिक। अब देखो ये टॉपिक क्या बोलता है, तो सबसे पहले अपन इधर पढ़ते हैं श्रेणी क्रम और उधर पढ़ लेंगे समांतर क्रम। श्रेणी क्रम मतलब
सीरीज कॉम्बिनेशन और इधर पढ़ेंगे समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, अब देखो भाई सीरीज क्या होता है कि जब दो रेजिस्टेंस एक दूसरे की सीरीज में कनेक्टेड, मतलब एक साथ है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब एक साथ है ना तो सीरीज में क्या चीज़ सेम जाएगी, क्या चीज़ फ्लो सेम होगी, चार्ज सेम जाएंगे, और जब चार्ज सेम जाएंगे तो करंट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो तुम्हें इसमें याद रखना, इसमें करंट सेम तो वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। अब इसमें पैरेलल में ध्यान रखना, पैरेलल में वोल्टेज सेम तो करंट डिफरेंट रहेगी। ठीक है बेटा, अब देखो क्या करते हैं, मान लिया अपने पास दो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, एक का रेजिस्टेंस है आर वन, एक का रेजिस्टेंस है आर टू, और इधर से आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो करंट तो इधर भी आई जाएगी और इधर भी आई जाएगी, ये ए और बी, और यहाँ पर पोटेंशियल वी वन है, यहाँ पर पोटेंशियल वी टू है, दोनों पर पोटेंशियल, दोनों पर विभव क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि ये अलग वोल्ट खाएगा, ये अलग वोल्ट खाएगा, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग, इनका सीरीज इक्विवेलेंट, इनको सीरीज इक्विवेलेंट को अपन बोलते हैं क्या, ये हो गया आर एस, वही करंट आई जा रही है। अब पोटेंशियल को मान लेते हैं वी, लेकिन अपने को पता है कि जो ये वी होगा ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, क्योंकि भाई टोटल पोटेंशियल तो वी है, तो V बराबर क्या हो गया यहाँ पर, वी वन प्लस वी टू, जिसको अपन इक्वेशन नंबर एक दे सकते हैं, और इसकी यूनिट हो गई वोल्ट। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द आर वन रजिस्टर, तो यहाँ पर क्या आएगी फर्स्ट टर्म, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द आर वन रजिस्टर इज, तो V बराबर क्या होता है, ओम्स लॉ अपने को पता है, V बराबर आई आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी वन बराबर आई वन आर वन। लेकिन तुम एक चीज़ नोटिस करना बेटा, जो करंट जा रही है वो इसमें भी यही जा रही है और इसमें भी यही जा रही है, तो आई वन बराबर भी आई होगा इक्वेशन टू। इसी प्रकार नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द आर टू रजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, वी टू बराबर आई आर टू, इक्वेशन नंबर थ्री। अब देखो तो भाई इसके ऊपर भी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और जो कि अपन ने क्या लिया है, वी की जगह वी एस ले लो, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर निकालेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ आर वन एंड आर टू इज आर एस, देन आर टू एंड आर एस, आर वन एंड आर टू क्या होगा, आर एस, देन तो क्या हो जाएगा, वी एस आई आर एस, ये सीरीज इक्विवेलेंट हो गया। अब यहाँ से V1, V2 और Vs की वैल्यू उठा के किसके अंदर चिपका दो, इक्वेशन एक में चिपका दो, तो फ्रॉम इक्वेशन वन टू थ्री एंड फोर, चारों का यूज कर लेते हैं। तो देखो Vs की वैल्यू क्या है, यहाँ से IRS, V1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर रख दो IR1, और प्लस V2 की वैल्यू IR2, आई आई कॉमन लेके काट देता हूँ, तो आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू। इसका मतलब जब कोई दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो उन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं इफ इफ एन
रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। अब देखो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, एन है तो आर एस क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू एंड सो ऑन आर एन, ये इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 और यूनिट इज ओम। बोलो यहाँ तक ओके है या नहीं। ये हो गया अपना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। अगला आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेम चीज है बस अब की बार दोनों रेजिस्टेंस कैसे पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जब अपन किताबें रखते हैं वो पैरेलल में होती है, और जब अपन ट्रेन होती है ट्रेन के जो डब्बे जुड़े हुए होते हैं वो सीरीज में होते हैं, तो किताबें कैसे रखते हैं ऐसे, वो पैरेलल ध्यान रखना। तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है वही आर वन एंड आर टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल आर वन आर टू। अब देखो यहाँ से करंट आई जाएगी तो इधर कोई करंट दूसरी जाएगी और इधर दूसरी जाएगी, क्योंकि दोनों के पाथ अलग अलग है, लेकिन अपने को पता है दोनों पर वोल्टेज सेम है, इधर भी V होगा तो नीचे भी V होगा। अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, समांतर क्रम है तो इसे RP से डिनोट करेंगे, वही A B करंट I और वोल्टेज V, तो ये जो करंट होगी I बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, क्योंकि इसमें करंट डिवाइड हो रही है, करंट आर डिफरेंट, आई वन आई फ्लो कर रही है तो ऊपर आई वन जा रही है नीचे आई टू जा रही है, ठीक है, तो इसमें करंट निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, देखो भाई ओम्स लॉ क्या बोलता है, वी बराबर आई आर, तो करंट क्या हो जाएगा आई बराबर वी अपॉन आर, बस ये करंट का फॉर्मूला लगा देंगे, जो डिफरेंट है उसको लगाओ सिंपल। अब देखो तो करंट फ्लोइंग थ्रू आर वन रजिस्टेंस इज, तो आर वन रजिस्टेंस से फ्लो होने वाली करंट, तो आई वन बराबर वी अपॉन आर वन, वी वन अपॉन आर वन एक बार ये लिखते हैं, पर दोनों पर वोल्टेज तो समान है तो वी वन की जगह वी आ जाएगा, ठीक है। अगला करंट फ्लोइंग थ्रू R2 रजिस्टर, तो ये हो जाएगा I2 बराबर V अपॉन R2, इक्वेशन 3 एम्पियर एम्पियर, ठीक है बेटा। अब देखो अब करंट फ्लोइंग थ्रो क्या ही है, करंट फ्लोइंग थ्रो पैरेलल equivalent of parallel equivalent of resistance RP is, तो I बराबर V upon RP, equation number 4 current ampere, फिर same process क्या करेंगे, ये सभी value I1 I2 और I की value equation 1 में चिपका देंगे, तो from equation 1 2 थ्री एंड फोर से, तो देखो क्या आ जाएगा, तो आई की वैल्यू है यहाँ से वी अपॉन आर पी, आई वन की वैल्यू वी अपॉन आर वन एंड प्लस आई टू की वैल्यू वी अपॉन आर टू, तो देखो क्या हो जाएगा, ये वी कॉमन लेके काट देंगे तो वन अपॉन आर पी बराबर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, ये पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। बोलो क्लियर है। अब देखो रियल में अपने को दो है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकालते, तो क्या आ जाएगा बेटा, वन अपॉन आर पी इधर आ जाएगा आर टू प्लस आर वन, लघुतम ले लेंगे है ना आर वन आर टू, तो इसको इन्वर्स करेंगे क्योंकि अपने को वैल्यू आर पी की चाहिए, तो हो जाएगा आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, इक्वेशन नंबर 6 और ये आ गया रेजिस्टेंस ओम। अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है कि भाई अगर रेजिस्टेंस
पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो इसको अपन लिखते हैं RP बराबर R1 R2 अपन R1 प्लस R2 अगर दो हो तो, अगर N रेजिस्टेंस हो जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ N रेजिस्टेंस कैसे R1 R2 एंड RN आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, जब दो था तो 1/R1 प्लस 1/R2, तो सोच अगर n होंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 एंड सो ऑन 1/RN आया कि नहीं आया। हाँ तो देखो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन 1/RN, मतलब 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन 1/RN। हाँ बेटा ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। अब यहां पर तुम ये भी बोल सकते हो कि सर अगर इक्वल रेजिस्टेंस हो, सॉरी हाँ अगर इक्वल रेजिस्टेंस हो कि इफ, देखो यहां से अगर इक्वल हो सकता है तुम्हें नहीं दिखे, पर अगर मान लो इक्वल रेजिस्टेंस हो तो R plus R plus R मतलब कितने गुना रेजिस्टेंस, अगर ऑल द सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज n टाइम्स ऑफ ईच ऑफ रेजिस्टेंस। तो देख सोचो एक R ओम का रेजिस्टेंस है ना, ऐसे मैंने 10 रेजिस्टेंस जोड़े, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है ऐसे 10 रेजिस्टेंस जोड़े तो 10 गुना उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब 10 × 10 मतलब 100 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। और वैसे ही इसमें 1/RP बराबर तो n गुना कम हो जाएगा। तो देख लो करके देख लेते हैं इसमें कि इफ R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर RN बराबर R लेट मान लिया, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। अब भाई 1/R प्लस 1/R कितने टाइम्स है भाई, n टाइम्स है, तो कितना आ जाएगा n/R। तो इसको उल्टा करेंगे तो RP बराबर R/N, मतलब कि अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस को अपन पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस उतने गुना घट जाएगा। आप सोच सेम चीज करते हैं 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 के 10 रेजिस्टेंस कनेक्टेड कर देते हैं पैरेलल में, 10 ओम का 10 रेजिस्टेंस, तो 10 ऊपर और नीचे भी 10 10/10 कितना आया 1 ओम। तो वो जो 10 ओम के रेजिस्टेंस है 10 कनेक्टेड करें रियल में वो कितने ओम के रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएंगे, केवल 1 ओम के रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएंगे। तो ये अपना टॉपिक हो गया सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ओके थैंक यू।